नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। इन दिनों देश में धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों की कमी नहीं है। कुछ लोग तो केवल धर्म के नाम पर ही अपनी दुकान चलाते हैं और हिंदू मुस्लिम करके ही राजनीति करते हैं। अब देखिए ना, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने धर्म का एक अलग ही मुद्दा उठा दिया है। ऐसा लग रहा है मानो उन्हें कावड़ियों से चिढ़ हो गई है। चलिए आपको भी पूरा माजरा बताते हैं। अब देखिए, हिंदुओं के पावन महीने सावन की शुरुआत हो चुकी है। पूरे सावन हिंदू मीट मछली जैसे नॉनवेज चीजें नहीं खाते हैं, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में कई इलाकों में कावड़ यात्रा के चलते मीट की दुकानों को बंद करवा दिया गया। अब इस मुद्दे पर ओवैसी चल दिए हिंदू मुस्लिम करने और उन्होंने इस पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया है और लिखा, सड़क पर नमाज अदा करो तो FIR हो जाती है, लेकिन कावड़ यात्रा के लिए गोश्त की दुकानों को ढककर बंद करवा दिया जाता है। धार्मिक भावनाओं के नाम पर रोजगार का हक छीन लेना शर्मनाक बात है। नरेंद्र मोदी, क्या एक देश में दो कानून नहीं है? आपकी समान नागरिकता की बातें ढोंग है। अब जिस तरह से हम ओवैसी ने धर्म का मुद्दा लाने की कोशिश की है, इस पर जनता भी भड़क उठी है और उन्होंने करारा जवाब दे दिया है। एक यूजर ने लिखा, ये देखो ये लोग बातें करते हैं सेकुलरिज्म की, दिन भर मुस्लिम मुस्लिम रटने वाले। वहीं एक और दूसरे यूजर ने लिखा, ये भारत है पाकिस्तान नहीं। एक अन्य यूजर ने ओवैसी को सुनाते हुए लिखा, कावड़ यात्रा साल में एक बार ही निकलती है, तुम्हारी गोश्त की दुकान है 24 घंटे खुली रहती है, तुम्हारी नमाज दिन में 3 बार या 4 बार होती है, जो समान नागरिकता की बात मत करो और समाज में नफरत मत फैलाओ, ये बहुसंख्यक समाज है जो मांस वगैरह से दूरी रखता है। वहीं एक और अन्य यूजर ने लिखा, नमाज दिन में 5 बार पढ़ने का रिवाज है, परंतु कावड़ यात्रा साल में सिर्फ एक बार ही निकलती है, दोनों में फर्क है। ABP की एक रिपोर्ट के मुताबिक ओवैसी के इस बयान को लेकर BJP भड़की है। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र से BJP विधायक नंद किशोर गुर्जर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, असदुद्दीन ओवैसी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, ये बयान शर्मनाक है। आपको बता दें कि सावन के महीने की शुरुआत होते ही कावड़ यात्रा की शुरुआत हो गई थी, जिसे लेकर शुरू में ही प्रशासन ने तैयारियां कर ली थी। जहां CM योगी आदित्यनाथ ने कावड़ यात्रा को लेकर कुछ निर्देश जारी किए थे, CM योगी के आदेश के अनुसार ही UP में कावड़ मार्गों पर मीट की दुकानें, नॉनवेज होटल रेस्टोरेंट्स और वाइन शॉप बंद रखने का आदेश दिया गया था। ये दुकानें कावड़ के बाद ही वापस खुल पाएंगी। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि कावड़ यात्रा यहाँ पे काफ़ी वृहद रूप से मनाई जाती है और यहाँ से काफ़ी लोग पास करते हैं, जो हरिद्वार से जल उठाते हैं और फिर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, हापुड़ और दूसरे जनपदों में जाते हैं। तो इस बार हमारे यहाँ पे 4 मेन रूट हैं, जो हमारे 3 तो नहर के अराउंड रूट्स हैं और एक NH जो हमारा 58 है, और लास्ट के 3 या 4 दिन में सबसे ज़्यादा भीड़ हमारे NH पे होती है। इस बार हमने पिछली बार भी इसको काफ़ी सही तरीके से संपन्न करवाया था और इस बार उससे और बढ़ के हम लोगों ने CCTV कैमराज बढ़ाए हैं। हमारे 1000 से प्लस CCTV कैमराज इस बार हम लोग लगा रहे हैं। इसके अलावा जितनी भी मीट शॉप्स वो हैं उनको उस टाइम के लिए बंद करवाया जाएगा। बाकी जितनी शराब की दुकानें हैं जो रोड के अलॉन्ग है, उसमें से मोर देन 30 शराबों की दुकानों की 14 ही ऑलरेडी बदल दी गई हैं। बाकी 120 दुकानें जितनी भी होंगी जो अराउंड रोड हैं, उनको पर्दे लगा के और उस तरीके से रेगुलेट किया जाएगा और टाइम जितना भी जैसे कावड़ बढ़ेगी तो उस टाइम पे उनको बंद करने का भी निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल जिस तरह से ओवैसी ने सवाल उठाए हैं, उस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।